हेलो फ्रेंड्स, जीनियस इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम विंडोज़ अपडेट के एनेबल को डिसेबल करने वाले हैं, यानी कि विंडोज़ अपडेट को बंद करने वाले हैं। बंद इसलिए करने वाले हैं क्योंकि जैसे ही हम अपने हॉटस्पॉट को कनेक्ट करते हैं अपने लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप में, तो जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं उसके बाद हमारी सारी MB जो हमारे मोबाइल की जो भी डेटा रहता है वो हमारा बहुत ही जल्दी के साथ ख़त्म हो जाता है और हम अगला कार्य जो भी हमें करना रहता है, वर्क करना रहता है, उसको हम कर नहीं पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे बंद करते हैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ में आ सकें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको विंडोज़ के साथ R प्रेस करना है। जैसे ही आप विंडोज़ के साथ R प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपके सामने एक रन कमांड खुलकर आ जाती है और यहाँ पर आपको टाइप करना रहता है SERVICES services.msc। अब इतना आपको टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके सामने एक नई विंडो खुलकर आ जाती है। तो यहाँ पर मैंने टाइप करके जैसे ही ओके किया तो हमारे सामने एक नई विंडो खुलकर आ गई है। आ जाइए, आ गई। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए रहते हैं, तो मुझे विंडोज़ अपडेट को बंद करना है, डिसेबल करना है। तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ और W वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। यहाँ पर देखिए विंडोज़ अपडेट का एक ऑप्शन होता है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए ये विंडोज़ अपडेट। अब यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ और इसके ऊपर डबल क्लिक करना है आपको। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा है मैनुअल, या फिर आप में ऑटोमेटिक लिखा होगा या फिर रनिंग लिखा होगा, जो भी लिखा होगा उसको आपको क्या करना है, सीधे आपको यहाँ पर डिसेबल पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर सेम टू सेम जो मैं बता रहा हूँ वहाँ पर आपको क्लिक करना है। डिसेबल पर क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको एक बार स्टार्ट कर देना है। अगर इनेबल नहीं है तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट स्टॉप कर देना। अब मैं यहाँ से दोबारा से इसको स्टॉप कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये हमारा जो विंडोज़ है वो पूरी तरीके से डिसेबल हो चुका है और यहाँ से मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो विंडोज़ अपडेट का ऑप्शन है यहाँ पर पूरी तरीके से ये डिसेबल हो चुका है। यहाँ पर देखो लिख कर आ गया है कि आपका ये विंडोज़ अपडेट से संबंधित जो भी वर्क है ये आपका डिसेबल हो चुका है। अब आप बहुत ही आसानी के साथ अपने विंडोज़ या PC में आप बहुत ही आसानी के साथ वर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Oh, 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 oh